गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम योर आर्ट टीचर फ्रॉम MLZS रामपुरा फूल। बच्चे, टुडे आई विल टीच यू हाउ टू ड्रॉ अ लैंडस्केप एंड हाउ टू फिल अ कलर विथ डूडलिंग स्टाइल। ठीक है बच्चे, सबसे पहले फर्स्टली हम लोग लैंडस्केप ड्रॉ करेंगे। आप इसको पेंसिल से भी ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन मैं इसको सीधा स्केच से ड्रॉ कर रही हूँ। अगर आपको ड्राइंग अच्छी आती है तो आप पेंसिल से भी सीधा ड्रॉ कर सकते हो और स्केचेस से भी। ये मैंने ग्रास बनाई है, उसके बाद ये मैं ट्री बना रही हूँ। यहाँ पे हम क्लाउड्स बनाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम हल्की सी लाइन लगाकर फ्री हैंड माउंटेन्स बनाएंगे। ठीक है बच्चे, तो अब मैं आपको इसमें बता रही हूँ कि डूडलिंग स्टाइल से किस तरह से हम कलर कर सकते हैं। सबसे पहले हम स्काई में कलर करेंगे। इसमें आप सिंपल लाइनिंग लगाकर भी कलर कर सकते हो इस तरह से। डूडलिंग स्टाइल में डिफरेंट टाइप के पैटर्न्स होते हैं, आप कोई भी पैटर्न यूज़ कर सकते हो। क्लाउड्स को हम वाइट रखेंगे, इसीलिए हम क्लाउड्स में कोई भी कलर नहीं कर रहे। ये हमारा जो स्काई है ये रेडी हो गया है। इसके बाद हम लोग माउंटेन्स में कलर करेंगे। माउंटेन में हम डिफरेंट टेक्निक्स के साथ कलर फिल करेंगे। ठीक है बच्चे, जैसे आप फर्स्टली ये लाइंस भी लगा सकते हो। और इसको इसके ऊपर क्रॉसेस बना सकते हो इस तरह से, इसके ऑपोजिट साइड से लाइंस बनाकर। ठीक है, ये फर्स्ट टेक्निक है। और सेकंड टेक्निक है हमारी, हम दो तरह की टेक्निक से माउंटेन्स बनाएंगे। इसमें हमने क्रॉस बना लिए हैं, लेकिन हम कलर फिल जो करेंगे एक एक बॉक्स को छोड़ के करेंगे। अब नेक्स्ट में फिर से हम सेम करेंगे जो फर्स्ट में किया था, इसमें भी हम क्रॉसेस बनाएंगे। और फोर्थ वाले में सेम सेकंड की तरह वन वन बॉक्स में हम कलर फिल करेंगे और एक वन वन बॉक्स छोड़ते जाएंगे। ठीक है बच्चे, इस तरह से हमारे ये जो माउंटेन्स हैं ये हो चुके हैं। इसके बाद हम ट्री करेंगे। इसमें हम डार्क लाइट शेड दिखाने के लिए इसमें थोड़ा सा ब्लैक भी मिक्स कर सकते हैं। और इसमें हम कौन सा पैटर्न यूज़ करेंगे, सर्कल वाला। हम इसमें सर्कल्स बनाएंगे इस तरह से। ट्री में कहीं कहीं जो लीफ होते हैं वो लाइट कलर के भी होते हैं, इसीलिए हम इसमें
लाइट ग्रीन कलर भी कहीं कहीं शो कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, ये हमारा जो है ट्री रेडी हो गया है। इसके बाद हम लोग हट में कलर करेंगे। तो इसमें हम एक और तरह की टेक्निक बता रही हूँ। इस तरह से हमने सिक्स, जैसे आप बनाते हो सिक्स बनाकर उसमें ऐसे रोल करते जाना है। और इसका ये जो डोर है इसके लिए हम डिफरेंट टेक्निक यूज़ कर रहे हैं। ये हमने स्ट्रेट लाइंस लगा दी हैं। अब है इसकी रूफ, यहाँ पर हम क्रॉसेस बना सकते हैं। इसके बाद आ गई इसकी वॉल, इसके लिए हम डिफरेंट पैटर्न यूज़ कर रहे हैं। ये हमारी वॉल भी रेडी हो गई है। अब हम ग्रास में कलर करेंगे, उसमें हम डार्क और लाइट ग्रीन ही मिक्स करेंगे। ठीक है बच्चे, और डिफरेंट टेक्निक के साथ करेंगे। ये हम अलग अलग जगह पे टू टू टाइप का सेम पैटर्न हम दो जगह पे यूज़ कर लेते हैं। इसमें मैं एक लाइन में ग्रीन कलर फिल कर रही हूँ और हम बीच में एक लाइन में डार्क कलर फिल करेंगे। इसी तरह से हम यहाँ पे बना लेंगे एक सेम पैटर्न। सेम इसमें भी हम लोग वन लाइन में डार्क ग्रीन करेंगे और टू लाइंस में लाइट ग्रीन। ये देखो, जैसे पहले मैंने इसमें सर्कल किया था तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा लाइट ग्रीन भी मिक्स करेंगे। और इसकी वन वन रो में लाइट ग्रीन। अब नेक्स्ट हम इसमें ग्रास की तरह भी ऐसे लाइंस दिखा सकते हैं। सेम पैटर्न हम इस जगह पे भी बना लेते हैं। और इसके ऊपर लाइट कलर से फिर से थोड़ा सा ग्रास शो कर देंगे। अब इनमें हम और भी डिफरेंट टाइप का पैटर्न यूज़ करेंगे। और यहाँ पर भी इसके जैसा सेम।
और इसमें हम लाइट कलर फिर से मिक्स कर देंगे। डूडलिंग स्टाइल बोलते हैं बच्चे इसको, तो इसमें हम ऐसे सर्कल बनाएंगे ऐसे। इस पैटर्न से भी हम कर सकते हैं। अब इसमें भी हम ग्रीन का ऐसे बीच में शेड दे देंगे। ये जो लाइंस हैं इनके बीच में हम ग्रीन लाइट कर देंगे। इस तरह से हमारी ये डूडलिंग आर्ट से जो है बनके कंप्लीट हो चुकी है लैंडस्केप। इस तरह से आप कोई भी लैंडस्केप बनाओगे और उसमें डूडलिंग स्टाइल से ही कलर फिल करोगे। ठीक है बच्चे, थैंक यू।